ठीक है ना बाकी बूटा भी ले लूं। माय नेम इज फाद जरीवाला, मैं हूँ सूरत में राज के साथ। नमस्ते राज। नमस्ते सर। राज आपके साथ कौन है और किसका घोड़ा है? ये मेरे मामा ही लगते हैं, महेंद्र भाई ईश्वर भाई पटेल। आपका पूरा खानदान जो है घोड़े पालता है क्या? अरे हमारे सब खानदान में घोड़े वाली घोड़े वाले ही है। और चार पीढ़ियों से चल रहा है घोड़े का। बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा शौक है। अभी क्या शौक करा रहे हैं आप? अभी जो है वो महेंद्र भाई है, उसको राइडिंग के अलावा बग्गी में चलाना, टांगा चलाना बहुत शौक है। तो ये टांगे वाला पोनी है? हाँ पोनी है। वैसे पोनी मैंने बहुत कम कवर किया हूँ तो मुझे इनकी नस्लों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, आप ही बताइए ये कौन सी नस्ल का पोनी है? ये पोनी कई तरीके पोनी आते हैं, जैसे पर्शियन आते हैं, ऑस्ट्रेलियन आते हैं, कई। ये देसी है? ये देसी में मिक्स है। ओके। ये पोनी है डीसी में मिक्स है, लेकिन काम बहुत बढ़िया देता है। पर इतना वजन कितने लोग बैठ जाते हैं बग्गी में? इसके ऊपर दो आदमी बैठ सकता है। और क्या वजन का है? क्या बोल रहा? 70-70 किलो के दो आदमी बैठ सकते? बैठ सकते हैं, बैठ सके। तो इसको थकान नहीं होगी? थकान नहीं, ये घोड़ा इतना पावर वाला है और इतनी मंजिल काटता है, दिन में 25 किलोमीटर काट देता है बग्गी के साथ, यानी सवारी के साथ। हमको भी बिलीव नहीं होता है, लेकिन 25 किलोमीटर चल जाता है। लेकिन खैर लोग कहते हैं कि घोड़ों को पक्के रास्ते पर नहीं, और ये बग्गी जो है पक्के रास्ते पे ही ज्यादा चलेगी। वो तो हम यहाँ पर चला रहे हैं, यहाँ पे कच्चा है। आप बाहर टार रोड पे करोगे तो घोड़े को दिक्कत होगी ना? दिक्कत तो उसमें क्या है, बग्गी जो है तो उसको रोड पे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये खड्डे टिकड़े में तो ये गाड़ी का बेल्ट स्क्रू पॉल चाका वो जो होगा वो ढीले हो जाएंगे, अपने गिर भी सकते हैं, व्हील निकल जाएगा। तो क्या फिर इसकी, तो उसको रास्ता ही बेस्ट है। तो पैर में तो दिक्कत आ जाएगी इसकी? पैर में उसका इलाज करे तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसे पहले तो गाड़ियों का जमाना ही नहीं था, किसी के पास गाड़ी नहीं थी, तो पहले रोड भी थोड़ी पक्के हुआ करते, कच्चे ही रोड थे। लेकिन कच्चे रोड इतने अच्छे थे कि स्मूथ थे, खड्डे टिकड़े ज्यादा नहीं थे। तब ये घोड़े अपने जाने के ट्रांसपोर्ट में कुछ लाना हो या कोई रिश्तेदार आता तो हम लोग इधर से, हमारा भी ऐसा ही था, इधर से 2 किलोमीटर जाना पड़ता था। कोई रिश्तेदार आता है तो हमको बोलते थे ये बस में आऊंगा, तो वहां से हमको पिकअप करना, तो उसको टांगा गाड़ी लेके ही निकलते, बिना पेट्रोल की सवारी, बिना पेट्रोल की सवारी, तो उस पर लेके आना ही पड़ता था हमारा। वैसे पोनी का नाम क्या है? उसका नाम जैक है सर। जैक है। और क्या उम्र का है ये? ये घोड़ा अभी 10 साल का है। 10 साल का है ये घोड़ा। और पोनियों की उम्र क्या होती है? पोनियों की सेम जैसे बड़े घोड़े है वैसे ही उम्र है। और क्या हाइट का होगा अभी है? ये अभी 42 इंच। बकरे की हाइट का? बकरे हाँ, बकरे की हाइट है, बकरे की हाइट का घोड़ा है, इससे भी बड़े बड़े बकरे। देखो ये मेरी कमर में ही आ रहा है छोटा नीचे से। आपकी हाइट क्या है वैसे? मेरी 5'8" है। 5'8" है, तो देखिए राज से भी छोटा है। राज इसके लिए कोई लाए हो, जैक के लिए कोई जूली वगैरह लेके आए हो कि नहीं? जूली वगैरह तो अभी महेंद्र भाई को पूछते हैं, आपको कोई शौक है जूली वगैरह का? नहीं, इनको कैसे शौक होगा, जैक को होगा ना शौक। तो जैक को शौक होगा तो वो थोड़ी ना मेरे को बताएगा। तेरा शौक लगा रहे हो आप। देखो कुछ अच्छी फीमेल मिलेगी, अच्छी नस्ल वाली, तो हम ऊपर वाले दुआ से ये उसका एक कॉलर। इनमें भी वैरायटी आती है ना, जैसे मैं मुक्सर मेला गया था वो फैला बेला पोनीस और एकदम बाल वाले वो भी आते हैं। ओरिजिनल पोनी वो एकदम भार्गव के होते हैं, अच्छे वाले जो फॉरेन के आते हैं वो लोग। बट वो उठा सकते हैं ये सब? ये सब भी उठा सकते हैं। ये कैरेज हॉर्सेस भी बोलते हैं ना इसको? मेन उसका काम कैरेज हॉर्स का ही है, कैरेज हॉर्स का ही है। ये बच्चे लोग का एंटरटेनमेंट का चीज है सब। तो क्या कोई ट्रेनिंग देनी पड़ती है आपको ये? हाँ देनी पड़ती है, लगाने के लिए कार्ट में डालना है, तब उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस। पहले सामान बिछाओ, उसके बाद ये गाड़ी है पीछे से लगाओ, वजन खींचना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, उसके बाद चलो उसके साथ आगे आगे, तो उसके बाद ही धीरे धीरे कवर के, जैसे बड़े घोड़े को ट्रेनिंग देते वैसा ही है। अच्छा राज, चलो कैरेज तो हटा दिया हमने, अभी इस पे सवारी करना है तो बच्चे ही कर सकते हैं? बच्चे ही कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरह के हल्के पुसके आदमी है तो कर सकते हैं। मैं तो करता हूँ फिर भी। आप तो दुबले पतले हो। हाँ, तो मैं तो करता हूँ। बड़े घोड़े या छोटे घोड़े हैं? आप कितने किलो के हो? 60 किलो के? मैं 52-53 किलो का ही हूँ। तो अलाउड है 55 तो ले लेगा ये। हमने तो वजन तो मैंने ऐसा ही रखा, रेस कोर्स वाले रखते है वैसा 550 के अंदर ही। और ये एक्चुअली बच्चों को ट्रेन करने भी काम आ जाएगा ना, जो छोटे छोटे मेन बच्चे अपने बड़े घोड़े बच्चे नहीं चला सकते, हमारे घर वाले सब बच्चे, उसके खून में भी शौक है।
तो आप खुद क्यों नहीं लेते हो? आप तो प्रोफेशनल ट्रेनर हो, हाँ? अगर आपको बच्चों को सिखाना होगा तो आपके लिए तो जरूरी पड़ जाता है ना। लेकिन ये तो मैं क्या है कि मेरे घर के बच्चे तो उसके लिए लिया है काका के पास, तो कहा है क्यों इसको बाहर से खरीदना है। मेरे पास ऑलरेडी 15 घोड़े हैं, ठीक है, और 15 घोड़े में मैं काट में मेरे को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बाहर घोड़ा ट्रेन करना है, कोई बच्चे सीखने आते, सब घर के घोड़े के काम करना है, सब काम सीख एक साथ आता है, तो उसके ऊपर लगा के जाओ तो उसके एक घंटा ऊपर हो जाता है। ओके, ओके। तो मेरा टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है। और मेरे जो ईश्वर महेंद्र मामा है, महेंद्र भाई ईश्वर बटे, ये महेंद्र भाई गाड़ी के मास्टर है, तो मेरे को भी आता है, इसको भी आता है, इसके पास कुछ सीखना मिलता है मेरे को। यहाँ से कितना दूर? 25 किलोमीटर दूर तक के गए। हाँ, ये यहाँ इसे डुमस 12 किलोमीटर है, महेंद्र भाई टाइम निकाल के 12 किलोमीटर घूम के आते डुमस। अच्छा, कितने समय में पहुंच जाता है ये? कभी एक घंटा होता है, ऐसा नहीं है 12 किलोमीटर जाता है, लेकिन पकड़ लेता है ये पकड़ रहा है 40 किलोमीटर, लेकिन हम जाते ऐसा नहीं घुमाओ, थोड़ा थोड़ा कदम भी जाने देते हैं, थोड़ा उसका सांस थोड़ा कम हुआ उसके बाद थोड़ा ले, और घोड़े की भी कैपेसिटी है इतनी, थोड़ा तो आराम करना पड़ेगा। अब पहले हमको बिलीव नहीं होता था, इतना घोड़ा है यार क्या वजन पाएगा, खींच पाएगा, इतना किलोमीटर कवर करेगा, लेकिन इसकी पावर देखी तब घर पे आके भी तोहफा नहीं करता है। अच्छा। बदमाशी करता है, थकता नहीं है। और रिटर्न में आते वहां से जाके फिर भी ये पावर दिखाता है, बस मेरे को छोड़ दो जाना है, उसकी तब पता उसकी चल के उसकी कितनी स्ट्रांग है ये घोड़ा। जी जी, तो ये है हमारा जैक, द पावरफुल जैक कैरेज हॉर्स, बग्गी चलाता है जैक, हमारा जैकपॉट है। चलिए वंस अगेन राज, आपका नंबर दीजिए हमें। 9929185 84 एनीबॉडी हु वांट्स टू एनरोल फॉर हॉर्स ट्रेनिंग गेट इन टच विद राज। राज सूरत में कहां पर हो? हम सूरत में उमरा गांव एसवीएनआई कॉलेज के करीब। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।